फेवरेट सब्जेक्ट। बच्चों, आपको तो पता ही है, स्कूल में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। उन सभी सब्जेक्ट में से एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है। वह सब्जेक्ट कोई भी हो, जब भी उसकी बुक सामने आ जाती है, हमें अच्छा फील होता है। उस सब्जेक्ट की नोटबुक भी हम सबसे खास चुनते हैं, और हमारे फेवरेट सब्जेक्ट का पीरियड शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या, समय का पता ही नहीं चलता। एक दिन गट्टू चिंकी के स्कूल में कुछ अधिकारी आए थे। ऑफिशियल काम खत्म होते ही वह क्लास में आकर बच्चों से बातें करने लगी। बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स खास होते हैं, लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट होता ही है जो हमारा सबसे खास होता है। अब हम फेवरेट सब्जेक्ट पर बात करेंगे। एक एक करके बताना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम बंटी है और मुझे अंग्रेजी सबसे ज्यादा पसंद है। ओह नाइस, थैंक्स बंटी। नेक्स्ट। सर, मैं गुड्डी, मुझे सबसे ज्यादा रुचि हिंदी विषय में है और हिंदी कविताएं मुझे बहुत पसंद हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड्डी। आगे। हेलो सर, मैं चिंकी हूँ और मुझे चित्रकला पसंद है। ब्यूटीफुल। हाँ बेटा, तुम बोलो, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? ये सवाल था गट्टू के लिए। गट्टू जवाब देने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया, तो अधिकारी के साथ साथ पूरी क्लास का ध्यान और कान गट्टू पर लग गए कि गट्टू अब कौन सा सब्जेक्ट बताएगा। और जैसे ही गट्टू ने सब्जेक्ट का नाम बताया, सब शॉक्ड हो गए। हाय सर, मेरा नाम गट्टू है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। ओह, वेरी इंप्रेसिव। तभी बंटी बीच में बोल पड़ा। सर, गट्टू झूठ बोल रहा है, उसे मैथ नहीं साइंस पसंद है। गट्टू, बंटी जो कह रहा है क्या वह सच है? कल तक सच था सर, लेकिन आज सच नहीं है। मुझे कल तक साइंस पसंद था, लेकिन आज मुझे गणित सबसे ज्यादा पसंद है। गट्टू का ये जवाब सुनकर सारी क्लास हंसने लगी। अरे गट्टू, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। नाइस आइडिया बंटी। गट्टू, अगर तुम्हें सच में मैथ पसंद है तो मैं बोर्ड पर एक गणित तुम्हें देता हूँ, उसे सॉल्व करके दिखाओ। अब आएगा मजा। फिर उस अधिकारी ने गट्टू को बोर्ड पर एक गणित लिख कर दिया और सॉल्व करने को कहा। गट्टू बोर्ड के पास आया और उसने चुटकियों में वो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक्सीलेंट, प्लीज आप सब गट्टू के लिए तालियां बजाइए। गट्टू का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस देखकर सब शॉक्ड हो गए थे। बंटी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। पूरी क्लास ने तालियां बजाकर गट्टू का अभिनंदन किया। ज्यादातर बच्चों के फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश या फिर आर्ट सब्जेक्ट होते हैं, बहुत से बच्चे मैथ से डरते भी हैं। गट्टू, तुम बताओ, तुम्हें मैथ क्यों इतना पसंद है? क्योंकि सर, मैथ में नंबर्स होते हैं और नंबर्स के साथ खेलने में मुझे मजा आता है। मैं नंबर्स के साथ बातें करता हूँ, वो भी मेरे साथ बातें करते हैं और बातों बातों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओह, हाउ इंटरेस्टिंग। तो देखा आपने, हमारे गट्टू का फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। क्या मैथ आपका भी फेवरेट सब्जेक्ट है? गट्टू की बात करें तो गट्टू का मैथ लव इस क्लास और नोटबुक तक ही सीमित नहीं था। गट्टू जहाँ जहाँ रहता था, मैथ वहाँ उसके साथ रहता था। एक दिन घर में काफी सारे मेहमान आए हुए थे। गट्टू ने चुपचाप सारे मेहमान गिन लिए। 1, 2, 3, 4। गट्टू भागते हुए मम्मी के पास किचन में जाकर बोला, मम्मी, टोटल 14 लोग हैं, उनमें से 4 छोटे छोटे बच्चे, 6 यंग और बाकी 4 ओल्ड हैं, दादी के उम्र के। मतलब तुम बच्चों के लिए 4 ग्लास दूध, यंग लोगों के लिए 6 मग कॉफी और ओल्ड पीपल के लिए 4 कप चाय रेडी कर सकती हो। गट्टू के आंकड़े और लॉजिक सुनकर तो मम्मी कुछ सेकंड ब्लैंक ही हो गई। जब भी दूध वाला आता था, तब रोज सुबह दूध लेने के लिए ध्यान से गट्टू उठ जाता। दूध वाले के पास एल्युमिनियम का एक लीटर था, आधे लीटर का ऐसे छोटे मोटे माप थे जिससे वो गट्टू के बर्तन में दूध डालता था। ये 1 लीटर, ये आधा लीटर, लो गट्टू, हो गया तुम्हारा 1.5 लीटर। गट्टू मम्मी के साथ मार्केट जाता था, तब भी मैथ उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सब्जी वाली से सब्जी खरीदते वक्त गट्टू का पूरा ध्यान पैसों पर रहता था, लेकिन सब्जी वाली तो मैथ में गट्टू से भी परफेक्ट थी। मम्मी ने नोट देते ही वो झट से अपने पैसे निकालकर बचे हुए पैसे मम्मी को दे देती थी।
और वो अमाउंट बिल्कुल करेक्ट रहता था। आंटी, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, फिर भी आप इतना फास्ट हिसाब कैसे करते हो? बेटा, अनुभव, वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में, एक्सपीरियंस। हाँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीख गई। शुरू शुरू में बहुत गलतियाँ करती थी, किसी कस्टमर को ज्यादा पैसे दे देती थी तो किसी को कम, लेकिन मैं भी धीरे धीरे आंकड़ों के साथ खेलना सीख गई, और अब तो चुटकियों में हिसाब किताब हो जाता है, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस प्रकार गट्टू जहाँ मौका मिले वहाँ से मैथ सीख रहा था। स्कूल में भी जब मिश्रा सर बोर्ड पर कोई गणित लिखते तो सॉल्व करने के लिए गट्टू सबसे पहले उठकर आगे आता था और चुटकियों में सॉल्व कर देता था। एक दिन स्कूल में टेस्ट ली गई। मैथ की टेस्ट में गट्टू का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, लेकिन फिर बाकी सब्जेक्ट्स में वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। तब मिश्रा सर ने गट्टू को समझाया, बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मैथ पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि मैथ के चक्कर में तुम्हारा बाकी सब्जेक्ट से फोकस हट रहा है। आगे बढ़ने के लिए मैथ के साथ साथ हिस्ट्री, जियोग्राफी और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, उन पर भी थोड़ा ध्यान दो, देखना तुम बहुत आगे जाओगे। गट्टू मिश्रा सर की बात समझ गया और उस दिन के बाद वो मैथ के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स पर भी फोकस करने लगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।